हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारा चैनल को विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज नंबर, तो ये एक नंबर पेज है। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, यानी जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करने जा रहे हो उस डेट को यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को भी चिपका देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप पे न्यू पर टिक लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ फिल इन ब्लॉक लेटर्स, यानी आप यहाँ पर जितना भी कुछ लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे कि आई डोंट हैव एन अकाउंट विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास पहले से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन करके रखे हो तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, और अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद एक नंबर में आता है पर्सनल डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है वो भर देना है। कस्टमर टाइप पर अगर आप पब्लिक से हो तो यहाँ टिक लगा देना है, अगर आप सेंट्रल बैंक का किसी स्टाफ का लोग हो तो यहाँ टिक लगा देना है। उस हिसाब से सीनियर सिटीजन, आधार, इस तरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेम, और लिखा है सेम एस आईडी प्रूफ, यानी आपका जो आईडी है जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसमें जो नाम है उस नाम को देख के ताकि स्पेलिंग का कोई मिस्टेक ना हो उसके हिसाब से आपको लिख देना है। तो फर्स्ट नेम आपको इधर लिखना है, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ लिखना है, लास्ट में आपको लास्ट नेम लिख देना है। मिस्टर मिसेस लिख दो तो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आता है मेडन नेम, अगर आपका कोई मेडन नेम है तो यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि आपको यहाँ डाल देना है। आपका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑप्शन दिया गया है मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है जिसको किन्नर भी बोला जाता है। मेरिटियल स्टेटस आपको चूज करना है, अगर आप मेरिड हो तो यहाँ टिक लगा देना है, अनमेरिड हो तो यहाँ टिक लगा देना है। आदर्स का भी ऑप्शन दिया गया है जैसे कि डिवोर्स हो गया, बहुत दूसरा कुछ होता है जैसे सिंगल, तो आपका हिसाब है, हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज करके भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, और इधर ऑप्शन भी दिया गया है आधार इनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और अभी आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हो तो आपको जो एक इनरोलमेंट नंबर दिया गया है उसका आपको इधर लिख देना है, लेकिन जब आपका आधार कार्ड हो जाएगा उसके बाद आपको एक जेरोक्स कॉपी बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा, तो आपको उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर नेम, तो आपका फादर का नाम यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट नेम इधर लिखना है, मिडिल नेम है तो यहाँ लिखना है, लास्ट में आपको लास्ट नेम लिख देना है। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है नेम ऑफ एस्पोज, एस्पोज का मतलब है आपका जिसके साथ शादी हुआ है उसको एस्पोज बोला जाता है। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपका जिसके साथ शादी हुआ है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ मदर, आपका माता का नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आता है गार्जियंस नेम इन केस ऑफ माइनर, अगर आप माइनर हो यानी 18 साल के नीचे अगर हो तभी आपको गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल देना है, अगर आप माइनर नहीं हो तो इसको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछ रहा है, तो अगर आप इंडिया से ही हो तो इन इंडियन पे टिक लगा दो, अगर आप दूसरा कंट्री से हो इंडिया पे रहते हो तो यहाँ पे टिक लगा दो, बाद में आपका कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना है, इंडिया से हो तो इंडिया लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिटीजनशिप आपको पूछा जा रहा है, अगर आप इंडिया से हो तो इन इंडियन पे टिक लगा दो, और अगर दूसरा कंट्री से हो तो यहाँ पे टिक लगा देना है, बाद में कंट्री का नाम पे फिर से इंडिया लिख देना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, यानी आप क्या काम करते हो, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप सर्विस करते हो तो सर्विस का भी टाइप रहता है जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर करते हो, अगर आप पब्लिक सेक्टर में करते हो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करते हो। उसके बाद आदर्स में ऑप्शन दिया गया है प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, उसके बाद बिजनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। और अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज करके खुद लिख देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंट्री का टैक्स कोड जो होता है उसको यहाँ पे भर देना है, अगर आप इंडिया से ही हो तो इंडिया का टैक्स कोड IN होता है तो आपको वो भर देना है, अगर आप दूसरा कंट्री से हो तो आप गूगल करके सर्च करके इसको भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडियन ओनली। तो अगर आप दोस्तों सिर्फ इंडिया पे ही अपना टैक्स पे करते हो तो यस पे टिक लगा देना है, और अगर आप इंडिया से बाहर भी टैक्स पे करते हो तो नो पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपका पान कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, पान कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उस नंबर को यहाँ डाल देना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है उसके लिए भी बैंक उपाय दिया है, बैंक से आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उसका नाम है फॉर्म 60। आप बैंक से मांग लेंगे तो आपको दे देगा। फॉर्म 60 को भर के इस फॉर्म के साथ आपको जमा कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे, यानी आपका जहाँ पे जन्म हुआ है जगह का नाम डाल देंगे और प्लेस ऑफ कंट्री का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, आपको दिखाई देगा दो नंबर का ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन टाइप एंड आईडी डिटेल्स। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी और प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उस हिसाब से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको टिक लगा देना है और उसका एक जेरोक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ आपको बैंक में जमा कर देना है। तो चलते यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पासपोर्ट, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंदिरा का जॉब कार्ड, तो आपके पास जो है उस पर टिक लगा देना है। तो चलिए हम लोग वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है तो यहाँ पर टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद इसके जो वोटर आईडी कार्ड का जो डॉक्यूमेंट नंबर रहता है उसके ऊपर आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह का कुछ टाइप रहता है, उसको यहाँ पे लिख देना है। बाद में वोटर आईडी कार्ड का इशू डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, वो सब आपको देख के लिख देना है। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे फिर से आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि करंट एड्रेस दे रहे हो, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दे रहे हो या लोकल एड्रेस दे रहे हो, तो आप जो दे रहे हो उस पे आपको टिक लगा देना है। तो हम लोग यहाँ पे करंट एड्रेस दे रहे हैं तो करंट एड्रेस पे टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस टाइप पे रेसिडेंशियल पे आपको टिक लगा देना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपको टिक लगा देना है। तो हम जो है यहाँ पे फिर से वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं कि ताकि हमारा एक काम एक ही डॉक्यूमेंट से हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिटी या विलेज का नाम लिख देना है, आप जहाँ से हो वो जगह का नाम लिख दो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, आपका पिन कोड, उसके बाद काउंटी के नाम पे इंडिया लिख देना है। तो दोस्तों फर्स्ट पेज का काम ख़त्म हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यह है चार नंबर एड्रेस डिटेल्स आपको फिर से पूछ रहा है यहाँ पे, और ऑप्शन है परमानेंट और सेम एज करंट एड्रेस, यानी हम लोग उस पेज में जो करंट एड्रेस दे के आए हैं अगर आप वही आपका मेन एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक लगा दो और इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपके पास अगर टेलीफोन नंबर वगैरह है उसके बाद जो है आपके पास दे देना है। उसके बाद अगर लेकिन आपको मोबाइल नंबर ज़रूर देना है क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर रहेगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दो। उसके बाद आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अगर दूसरा भी कोई है तो ये यहाँ पे डाल दो। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दो, ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भर देना है, उसमें आता है एनुअल इनकम, मतलब आपका साल भर में कितना इनकम होता है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिलीजन चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का भी ऑप्शन दिया गया है, और अगर आपका रिलीजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके खुद भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आइए कैटेगरी, आपका ऑप्शन दिया गया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका हिसाब से टिक लगा देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप कितना पढ़े लिखे किए हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपका हिसाब से टिक लगा देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, तो अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो तो यहाँ पे टिक लगा देना, अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ टिक लगा देना है, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नीचे थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो है सात नंबर में है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा सात नंबर में है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन। तो दोस्तों अगर आपका बैंक में पहले से कोई बंदा है जिसको आप जानते हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देना है, और अगर आप उसका डिटेल्स भरना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिलीशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे टिक लगा देना है और इसको इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, तो अगर आप इंडिया के बाहर के कंट्री से हो लेकिन इंडिया पे रह रहे हो तो आपका जो मेन एड्रेस है इंडिया के बाहर उस एड्रेस को यहाँ लिख देना है। तो दोस्तों हम इंडिया के ही हैं तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करने का,
अगर आप इंडिया के बाहर से हो तभी आपको ये सब लिख देने का। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे प्लेस का नाम आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, यानी ये जो है बैंक का अधिकारी लोग इसको भर लेंगे, ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़, ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। नीचे चला ये दोस्तों, ये सब भी आपको कुछ नहीं करने का। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस नेक्स्ट पेज में जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन काम अंडरटेकिंग, ये जो है बैंक की तरफ से कुछ नियम वगैरह दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम निकल के समझेंगे और यहाँ पे आप एक सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आप प्लेस का नाम डाल देंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर देख सकते हो, तो आपको पहले यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देना है, यानी आप सेंट्रल बैंक का जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका जो डेट है यहाँ पे डाल देना है, यानी जिस दिन आप बैंक में जमा करने जा रहे हो फॉर्म को, उस डेट को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है आपको जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसका टाइप आपको चूज करना है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपनिंग करा रहे हो तो यहाँ पे टिक लगा देना है, करंट अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो तो यहाँ टिक लगा देना है। उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए इनिशियली कुछ पैसा जमा करना पड़ता है बैंक में, जैसे कि आपका बैंक का हिसाब से वो राशि होता है, तो आप बैंक में जाकर पूछेंगे कि मिनिमम बैलेंस कितना होता है। तो मेरा इधर तो 500 से ही चल जाता है, तो मैं लिख दिया हूँ 500। उसके बाद आपको यहाँ पे लेटर में भी लिख देना है 500। उसके बाद एप्लीकेंट्स डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देना है, तो आपका नाम यहाँ पे डाल देना है, मिडिल नेम है तो यहाँ डाल देना है, लास्ट में लास्ट नेम डाल देना है। और नीचे का जो ये जो है सेकेंड होल्डर थर्ड होल्डर, अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तभी आपको बाकी लोगों का नाम यहाँ पर डाल देना है। और नीचे आएंगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है अकाउंट ओपन अंडर गार्जियनशिप माइनर, अगर आप माइनर हो और गार्जियन के अंडर आप अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो तो आपको ये सब भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ ऑपरेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो अकाउंट है इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, बोले तो कैसे इसको चलाएंगे। यहाँ पे लिखा है अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाई एंड बैलेंस पे लेवल, तो आपको अगर आप इस अकाउंट को आप खुद ही इसको ऑपरेट करेंगे तो सेल्फ पे टिक लगा देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग करा रहे हो तो यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको ट्रांसफर टू SB, चलिए ये सही रहता है, इस पर टिक लगा दो। उसके बाद आपका अकाउंट विद बैंक, उसके बाद आपका अगर बैंक का स्टेटमेंट आपका ईमेल के जरिए आपको चाहिए तो यहाँ पर टिक लगा दो। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी आपका जो अकाउंट बन के आ रहा है उसके साथ आप कौन कौन सा सर्विस चाहते हो। तो एक नंबर में है ATM कम डेबिट कार्ड, अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ पे जो नाम डाल दोगे यही नाम आपका ATM कार्ड के ऊपर प्रिंट करके आएगा। उसके बाद ये जो दो नंबर का ऑप्शन है, तीन नंबर का, ये सब अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का नाम भी यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा चाहिए तो ये इस पर टिक लगा देना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर में अगर आपका कुछ SMS अलर्ट चाहिए तो ये इस पर टिक लगा देना है। मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक, यानी क्रेडिट कार्ड करें, मतलब आपके पास जो सुविधा चाहिए तो उस पर ये इस पर टिक लगा देना है और जो नहीं चाहिए नो पे टिक लगा के इसको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर लिखा है डिक्लरेशन, यानी बैंक की तरफ से कुछ नियम वगैरह है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे समझ लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, पेज नंबर यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फील्ड इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भर देना है। तो दोस्तों हम सिंगल अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपका खुद का नाम डाल देंगे और सिग्नेचर आपका जो है उसको यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी चिपका देंगे। तो नीचे का जो ये सब ऑप्शन है, तो अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो बाकी लोगों का नाम, सिग्नेचर और फोटोकॉपी यहाँ शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़, तो ये जो है बैंक का अधिकारी लोगों का काम है, वो लोग इसको भर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस ये है नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा है नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ फॉर्म DA, अगर आप मर जाते हो तो आपका जो अकाउंट में पैसा रहेगा उस पैसा को कौन उठा पाएगा, उस हिसाब से आपको इस फॉर्म को भर देना है। तो दोस्तों इस पहले आपको यहाँ पे खुद का नाम डाल देना है, उसके बाद आपका ब्रांच का नाम इधर डाल देना है, नेचर ऑफ डिपोजिट पर सेविंग लिख देना है और यहाँ पर आपका नॉमिनी का नाम डाल देना है, यानी आपका पैसा कौन उठा पाएगा आपका कुछ हो जाने के बाद, तो आपका यहाँ पर डाल देना है।
तो नॉमिनी का फर्स्ट नेम इधर डालना है, मिडिल नेम है तो यहाँ डालना है, लास्ट में आपको लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आपका एज ऑफ द नॉमिनी यानी इस पे यहाँ पे जिसका नाम डाले हो इसका उम्र कितना है वो यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे जो नाम डाले हो इसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपका नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और अगर आपका नॉमिनी का और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम लिख के इसको खाली छोड़ सकते हो। बाद में आपका नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, नॉमिनी का कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो बाकी लोगों का भी सिग्नेचर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपका एक विटनेस लेना है, विटनेस का नाम यहाँ पे डाल देना है, विटनेस का एड्रेस यहाँ देना है, और सभी बैंक में विटनेस का ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे भी आप विटनेस का नाम एड्रेस और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, ये सब जो है ये सब आपको कुछ नहीं करने का। तो दोस्तों इस फॉर्म के साथ होता है आज का वीडियो ख़त्म। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।